ठीक है, तो नेचुरल रिलेशन हमको करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग को पॉमिंग करना है, परमानेंट कर्ल्स करना है। तो बाल तो ऑलरेडी शॉर्ट ही है, जस्ट एक हम लोग शेप दे रहे हैं ताकि हमारे बालों में स्टेप्स आ जाए। उससे क्या होएगा, हमारा जो पॉमिंग है वो ज़्यादा लास्ट करेगा, ज़्यादा चलेगा। हाँ, तो जब भी परमानेंट कर्ल्स करेंगे तो बालों में 90 डिग्री में सब जगह से स्टेप डालने ज़रूरी है ताकि हमारे जो रोलर्स है तो हम लोग उसको ग्रिप करें तो ईजिली, और हमारा जो पॉमिंग है वो ज़्यादा लास्ट करे। ठीक है, तो वन लेंथ मैंने कर दिया और सेम सारे बालों को 90 डिग्री पे कट करना। तो कभी भी परमानेंट कर्ल्स करेंगे तो कट कौन सा करेंगे, नेचुरल ग्रेशन, उसके बाद ही पमिंग स्टार्ट करना। किसी के बाल अगर स्ट्रेट है, स्टेप नहीं है मतलब उसके अंदर, तो आपको स्टेप डालने पड़ेंगे, बट स्टेप कौन से डालने पड़ेंगे, 90 डिग्री वाला ही। हाँ, कोई दूसरा हेयर कट नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, लॉन्ग लेंथ नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर क्या होगा, आपका जो लेंथ है वो छोटा बड़ा होगा। इस वाले हेयर कट में हम लोग पूरा जो बाल है वो 90 डिग्री में काटते हैं, तो जब मैं रोल करूंगा तो सब जगह से इवन आएगा, नहीं तो क्या होगा, जब मैं रोल करूंगा एक बाल लंबा निकलेगा एक छोटा, रोल ही नहीं कर पाऊंगा। जैसे हम लोग स्पाइरल ब्लो ड्राई करते हैं, अगर छोटा बड़ा बाल होगा तो ब्रश के अंदर रैप ही नहीं हो सकता वो, तो फिर कल्स अच्छा आता नहीं है टेम्परेरी भी, तो सेम परमानेंट भी नहीं आएगा। परमानेंट भी करना है तो पहले स्टेप डालना। तो चार सेक्शन में मुझे हेयर कट करना, पहला सेक्शन लिया, दूसरा सेक्शन स्ट्रेट ही काट रहे हैं, बॉक्स बनाते जाएंगे और नीचे वाली गाइडलाइन फॉलो। और जब काटेंगे तो आपका पूरा जो सीजर है वो एकदम टच रहना चाहिए, ये तो बाल इवन नहीं कटेगा। हाँ, दूर से काटेंगे तो इवन कभी कटेगा ही नहीं। जैसे मैं ऐसे काटूं नहीं कटेगा, तो पूरा टच, जैसी गाइडलाइन आपके अंदर गई यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर काटेंगे, और इसको ज़्यादा ओपन नहीं करना तो फिंगर कट जाएगा। हाफ इंच हाफ इंच हाफ इंच, तो फिंगर से क्या हो रहा है, मुझे सपोर्ट भी मिल रहा है और लाइन इवन हो रही है। ठीक है, उसके बाद में दो स्ट्रेट हो गए, दो सेक्शन मुझे कैसे लेने हैं, मून। अच्छा, मून सेक्शन लूंगा, ये जो मेरा पार्ट है सेमी क्राउन निकालूंगा मैं, और सेमी क्राउन को आगे तलक बढ़ा देना है, सेम यहाँ से सेमी क्राउन, जो मेरा ये वाला बाल है, सेमी क्राउन कैसे निकालते हैं हम लोग, गोल, और सीधा इस लाइन को फ्रंट तक लंबा करते हैं और मेरा मून बन गया इजी। अब उसको सीधा कॉम करेंगे, लॉक कर देंगे, तो मेरा सेक्शन दो पीछे के निकले थे, अब ये मेरा तीसरा सेक्शन, तीसरे सेक्शन में मेरा जो मून सेक्शन है फ्रंट का वो थोड़ा बड़ा रहेगा। तो बड़ा देखो, मेरा जो ये पूरा हेड शेप का राउंड है वहाँ पे एक सर्कल बन गया, तो सेम बॉक्स और जो गाइडलाइन बनाई है उसको फॉलो करेंगे। और कौन सा सेक्शन फोकस करेंगे, जो मेरा कटने वाला है, ये वाला सेक्शन ऊपर भी चला जाएगा, चल जाने दो, हमारा ये सेक्शन स्ट्रेट होना चाहिए। जितने अच्छे बॉक्स उतना होएगा, हाँ अच्छा कटाएगा। ठीक है, साइड में आ गए, पूरा का पूरा एक्स्ट्रा चलो, कि गाइडलाइन किधर से आएगी, नीचे से, तो नीचे वाली गाइडलाइन को ही फॉलो करना है। तो देखो ये मेरी गाइडलाइन, ये देखो गाइडलाइन मेरी कौन सी, तो मेरा इतना पीस ये बड़ा है, तो रिवर्स से भी मैं कितना निकालूंगा। सेक्शनिंग पे फोकस करो, सेक्शनिंग बराबर होगा, ग्रिप बराबर होगा और सेम एंगल। ठीक है, फ्रंट पे आ गया, लास्ट सेक्शन गाइडलाइन कौन सी, नीचे से, एक साथ नीचे हो रहा, इसमें से आधा भी कर सकते, गाइडलाइन के साथ में ही काम करना, कट अच्छा होएगा तभी पमिंग अच्छा होएगा, कट गड़बड़ होएगा पमिंग में अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है, पूरा मेरा स्टेप्स आएगा पूरे। ठीक है, अब सेम इसमें से इसको छोड़ देंगे, अब इसमें से एक और बोन बना लो, घुमा दो सेक्शन को,
ये बन गया, इसको सबको पीछे वापस को वापस पीछे चले गए, फिर पीछे से स्टार्ट, फिर साइड में आएंगे, फिर साइड में आएंगे। जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा एंगल भी ऊपर जाता जा रहा है, ये देखो। तो जो सबसे लास्ट वाला पीस होगा उससे मिला, सेक्शन एकदम फटाफट और इजी निकलना चाहिए। देखो यहाँ पे कि ये साइड का देखो कितना लंबा है, और अभी मुझे नीचे तक जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो कट गया, जो कट गया उसको छोड़ देंगे। कब लेंगे नीचे से? जब मुझे गाइडलाइन नहीं मिलता है। अगर मुझे गाइडलाइन नहीं मिलता तो मुझे लेना है, तो गाइडलाइन में दिख रहा है इसके अंदर अच्छा खासा। बाल काटना बिंदास काट, डरो मत, इतना डरोगे ना बाल नहीं काट पाओगे, सही बता रहा हूँ। तो बाल काटने में ना बिल्कुल घबराना नहीं है। कभी हेयर कट किया ना, गलत हो गया, थोड़ा ज्यादा बाल कट गया, तो डरो मत, नेक्स्ट टाइम क्लाइंट से बात करके उससे ज्यादा काटो, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। हाँ सही बता रहा हूँ। किसी ने बोल दिया यार तुम्हें मेरे बाल छोटे कर दिए, अब तुम डर जाओगे, नेक्स्ट टाइम तुम काटोगे ना तो पहले ही पूछोगे मैम इतना ही काटो इतना ही काटो, मतलब आप और डर रहे हो। कंसल्ट करो, जितने काटे थे ना नेक्स्ट टाइम इतना काटो, बट बता के काटो, कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो इतना घबराना नहीं है बाल काटने में, तुम लोग सेक्शन ही भूल जाते हो, कट करने में भूल जाते हो, कितनी बार ये वाला कट हो चुका है, अभी भी अगर सेक्शन भूलोगे कैसे चलेगा? कॉमिंग चल रहा है, ऑलरेडी कलर हो गया है, सब कुछ हो गया है, बात में लगे हुए, बात करेंगे ना बाद में, किधर जा रहे हैं हम, पहले काम तो करो। ठीक है, डन, ओके, बात भी आ गई मेरे पास।